क्या आपको पता है ये खांडवी बनाने के लिए मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे हैं और वो भी बिना कोई झंझट के। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलिए आपके साथ ये एकदम डेलीशियस खांडवी की रेसिपी शेयर करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बाउल में हम ऐड करेंगे 1 कप जितना बेसन। वही कप के मेजरमेंट्स हम ऐड करने वाले हैं 1 कप जितना गाढ़ा दही, जिसको मैंने विस्कर से अच्छे से विस्क कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना अदरक और मिर्ची का पेस्ट, एकदम पतला पेस्ट ऐड करना। फिर ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसी के साथ थोड़ी सी हींग, चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करना है एंड इन सारी चीज़ों को हम कर देंगे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स। जब तक इसमें कोई लम्स ना रहे तब तक इसे मिक्स करना है। सो जो कटोरी से हमने दही और बेसन ऐड किया था वही सेम कटोरी से हमें पानी ऐड करना है। तो 2 कप जितना पानी इसके अंदर मेजर करके ऐड कर दीजिए। बस अभी इन सारी चीज़ों को हमें एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है एंड एक लम्प फ्री बैटर बना करके रेडी कर लेंगे। अभी हम लोग ये बैटर को सिर्फ 3-4 मिनट्स के लिए रेस्ट होने देंगे साइड में। 3-4 मिनट्स हो चुके हैं, ये बैटर एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, कुछ इस तरीके से लिक्विडी कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। इसे हम फिलहाल रख देते हैं साइड में। देन हम लोगों को इस तरीके की प्लेट लेनी है, आप चाहे तो पूरी फ्लैट प्लेट भी ले सकते हैं। इसे हम लोग ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद ये प्लेट के ऊपर हम लोग बैटर डालेंगे, तो 2-3 चम्मच जितना ही हमें इसके अंदर ऐड करना है। इसको अच्छी तरीके से सारे साइड्स फैला देंगे एंड फिर ये प्लेट को हम लोग डालेंगे स्टीमर के अंदर। तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए कढ़ाई में, अच्छी से गर्म हो जाएगा। तब ये प्लेट को इसके ऊपर रख देना है कुछ इस तरीके से। देन इसको हम लोग ढक देंगे एंड ढककर मीडियम फ्लेम में इसको कुक करना है कम से कम 5-6 मिनट के लिए। 5-6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखेगी, इसका मतलब ये एकदम परफेक्टली रेडी है। इसको बाहर रख देंगे खुले सरफेस में, एकदम परफेक्टली ठंडा होने देंगे। देन इसको हम लोग पीसेस में कट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम लोग इसको रोल करने वाले हैं एक खांडवी के जैसे शेप में, कुछ इस तरीके से। ये एकदम परफेक्टली आसानी से रोल हो जाएगा। आप इसी तरीके से सारे खांडवी को बना करके रेडी कर लीजिए। इसे हम लोग रख देंगे साइड में और एक तड़का प्रिपेयर करते हैं। सो सबसे पहले गरम तेल में ऐड करने वाले हैं राई, जीरा, इसी के साथ थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, थोड़े से फ्रेश करी पत्ते ऐड करेंगे, अच्छी से उसको पॉप होने दीजिए। फिर ऐड करने वाले हैं ग्रीन चिलीज एंड फिर थोड़ी सी तिल ऐड करेंगे। बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छी से मिक्स कर देंगे एंड इसके बाद ये जो हमारी टेम्परिंग है वो बन करके रेडी हो जाती है। इसे फटाफट से हम लोग खांडवी के ऊपर ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे ये सुपर डेलीशियस सिर्फ 15 मिनट में हमारी ये खांडवी बन करके रेडी हो जाती है। आप लोग इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। गाइज ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप सिर्फ एक छोटी सी सपोर्ट कर दीजिए। सिर्फ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके एंड शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।